हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी स्वस्थ हैं। आज पहली बार निफ्टी ने 18,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इंफ्रा एंड एविएशन सेक्टर में पॉजिटिव न्यूज है, तो आइए जान लेते हैं इन स्टॉक के सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड टारगेट्स क्या होने वाले हैं। अगर आपको नया डीमैट अकाउंट खोलना है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स की लिंक है, उस पर जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। दोस्तों, हमारे रिव्यू वीडियो में पहला नाम है अशोक बिल्डकॉन का, और आज की जो क्लोजिंग है ये 118.10 की दे चुका है। पिछले हफ्ते इस स्टॉक ने एक बहुत बड़ी मूव दी थी 98 से 118.25 तक की। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम जो है ये जनरेट किए हैं लास्ट वीक में भी और इस वीक में भी। और अगर आप पिछले वीक्स में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखिए इस हफ्ते में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम हो चुके हैं। ये स्टॉक मैंने आपको सजेस्ट किया था फरवरी महीने में फर्स्ट टाइम, तभी इसकी प्राइस समवेयर अराउंड 107 थी। तो हम लोग डेली चार्ट पर चलकर देख लेते हैं एग्जैक्ट प्राइस क्या थी। तो यहाँ पे देखिए 3 फरवरी को 107.15 पैसे की क्लोजिंग आई थी, और इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 120 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है इस स्टॉक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 118.10, 118.60 यहाँ पर आकर यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेकर नीचे चला गया था। और मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे काफी बार बताया था कि लोअर लेवल पे इसे आपको बाइंग करनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है, इस आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद मैंने आपको 26th ऑफ जून में भी 104 रुपीस के आसपास ये स्टॉक था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको 120 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। ये स्टॉक देखिए वापस 112, 118, 116 तक आया था, वापस ये डाउन साइड आ चुका था 101। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोअर लेवल्स पे 90-94 के भी लेवल्स दिखा रहा था। कई बार स्टॉक ने देखिए 90 के लेवल्स दिखाए और उसके बाद एक बड़ी मूव यहाँ पर आप देख सकते हो कि वापस ये स्टॉक जो है ये 125 के हाईज लगाकर आज के दिन 118.10 की क्लोजिंग दे चुका है। एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखाई दे रहा है, तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। और लोअर लेवल्स पे यहाँ पे देखिए अगर ये स्टॉक आपको 114, 115 पे सपोर्ट लेते हुए दिखता है तो एक बहुत ही अच्छा साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टॉक के लिए सपोर्ट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर 120 की लेवल जो है इसके लिए काफी क्रूशियल है। अगर इसी हफ्ते में अगर आप वीकली चार्ट देखोगे और इसी हफ्ते में अगर ये 120 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होता है तो ये स्टॉक आपको 140 से लेकर 150 के टारगेट भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जनवरी महीने में जब ये स्टॉक नीचे की तरफ आया था पेंडेमिक के कारण, ये 120, 118 के लेवल से ही नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस वाला काम करने वाले हैं वो ये लेवल्स होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 140 से लेकर 150 के जो लेवल्स हैं यहाँ पर वो जून 2019 के हैं, तो इन लेवल्स तक ये स्टॉक आ सकता है। अगर आप इसमें होल्ड कर रहे हो या फिर आप इन्वेस्टर हो तो आप होल्ड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये स्टॉक 120 के ऊपर निकलता नहीं है तो वापस ये स्टॉक आपको 110, 114 तक मिल सकता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। फॉर ट्रेडर्स 10% इज इनफ आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे देखिए 98 से स्टॉक 125 बढ़ चुका है और इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि 20% स्टॉक जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बनता है। तो अब ये स्टॉक अगर 114, 115 भी आता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग जोन होने वाली है। और इस स्टॉक में अगर ये स्टॉक अभी भी कल के दिन अगर 120 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होता है तो इसमें एक बड़ी रैली आपको 140 से लेकर 150 तक दिखाई दे सकती है आने वाले कुछ महीनों में, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। अशोक बिल्डकॉन अभी भी एक बाय है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी भी एक पॉजिटिव न्यूज आई है आज के दिन, वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे सेकंड स्टॉक पे जिसका नाम है जेएमसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, और आज की जो क्लोजिंग है हमारे सजेस्टेड लेवल से 20% ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है ये स्टॉक। मैंने आपको ये स्टॉक सजेस्ट किया था 29th ऑफ अगस्त में, तो हम लोग डेली चार्ट पर चलकर देख लेते हैं एग्जैक्टली प्राइस क्या थी। तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे का दिन था 27th ऑफ अगस्त, क्लोजिंग थी 95.45 की, और यहाँ पर मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। अगर ये वीडियो नहीं देखी है इस आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि इस स्टॉक में मुझे 130 से 140 के लेवल्स आते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 30th सितंबर में इस स्टॉक ने एक बड़ा मूवमेंट दिया जो 119.60 पैसे यानी 120 के आसपास के लेवल्स इस स्टॉक ने छुए थे, और वहां से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में अभी भी ये स्टॉक दिख रहा है। और मैंने आपको इंफ्रा से रिलेटेड जो स्टॉक्स है उसके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया है, अभी से नहीं, मैं आपको फरवरी महीने से जब से जब बजट हो रहा था और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बजट के बाद भी
इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। लोअर लेवल्स पे आपको मैंने ये सजेस्ट किया था, 95 का प्राइस था और अभी स्टॉक अभी भी 113 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस स्टॉक के लिए वो होने वाले हैं लेवल्स 115 के। अगर ये 115 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होता है तो आपको 130 से लेकर 140 के टारगेट्स आते हुए दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 130 के आसपास ये स्टॉक जाके रिजेक्शन ले रहा था। तो पहला टारगेट 130 का होने वाला है, सेकंड टारगेट 140 का होने वाला है, और अगर ये स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे अपडेट जो है वो डाल दूंगा टाइम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर आप सर्च कर सकते हो आइडियोलॉजी ट्रेडर करके, वहां पर 360 के आसपास के सब्सक्राइबर्स है मेरे, वहां पर आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों आज इंफ्रा स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसके पीछे एक न्यूज थी, वो ये है कि पीएम मोदी लॉन्चेस गति शक्ति मास्टर प्लान फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये न्यूज आते ही इंफ्रा स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी बाइंग देखी गई थी, और ये न्यूज काफी नहीं थी। इसके बाद जो कमेंट्री आई थी पीएम मोदी की तरफ से, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उनको पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है, उनको काम कहाँ पे करना चाहिए, तो उसी के कारण जो इन्वेस्टर्स हैं इंफ्रा स्टॉक्स में वो और भी बुलिश हो चुके हैं। आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको कंप्लीट होते हुए दिख सकते हैं ऑन टाइम, और यही जो चीज है इंफ्रा स्टॉक को यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइसिंग दे सकती है, यानी कि इनके प्राइस पे इफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर मैं बुलिश हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को लेकर। बजट के दिन से ही मैंने आपको कई बार बताया है कि इंफ्रा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है इंफ्रा स्टॉक्स के ऊपर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस आई बटन पे क्लिक करके मेरी प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने कई बार कई ज्यादा स्टॉक्स जो है इंफ्रा से रिलेटेड आपको सजेस्ट किए हैं, तो यहाँ पर इस आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक कर लीजिएगा। ये न्यूज जो है इंफ्रा स्टॉक्स को बहुत अच्छा और आगे तक ले जा सकती है, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। कई दोस्त जो है ये वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है या फिर आपको ऐसे ही मल्टीबैगर जानने हो तो इस आई बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे थर्ड स्टॉक पे, जिसका नाम है आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड, और ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही स्टॉक है। और इसकी क्लोजिंग जो है आज की ये 90.60 की आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 2-3 हफ्तों से स्टॉक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले हफ्ते में तो ये स्टॉक 77 से 91 तक पहुंच गया था, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है। और यहाँ पर इस हफ्ते में भी ये स्टॉक ने 84.50 के लोज लगाए हैं, वहां से 91.65 के हाईज एंड 90.60 की क्लोजिंग, एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दे चुका है ये स्टॉक, और बहुत अच्छे और क्रूशियल लेवल पे अभी ये स्टॉक खड़ा है। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको स्टॉक जो है काफी इनिशियल स्टेजेस पे बताया था, तो 18th of September 2020 में मैंने आपको पहली वीडियो बना के दी थी आईटीडी सीमेंटेशन पे। तो यहाँ पर देखिए प्राइस थी 49.95 की, और मैंने आपको इस वीडियो में कंपनी करती क्या है डिटेल में बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक में लॉन्ग व्यू रखो आपको बहुत अच्छा पैसा। और कई बार ये स्टॉक देखिए हाईज बनाने के बाद वापस ये स्टॉक कंसोलिडेशन देता है, लोअर लेवल्स पे 70-75 रुपीज के आसपास आ रहा था। 2-3 बार इस स्टॉक ने देखिए 90s के आसपास के हाईज बनाए, उसके बाद ये 75 के लेवल तक आ चुका था, और अब ये स्टॉक देखिए वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लेवल्स थे ऊपर के लेवल जो है अब ये बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, और अगर ये स्टॉक अब की बार 94 या 95 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आपको इस स्टॉक में 110 से लेकर 120 130 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सिनेरियो है इस स्टॉक में भी, और आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए जब जब ये स्टॉक बढ़ता है वॉल्यूम्स इस हफ्ते में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस वीक्स में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे या फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत अच्छी कंपनी है, आने वाले टाइम में आपको 120 से लेकर 140 के भी लेवल दिखा सकती है। तो इन स्टॉक पे थोड़ा सा लॉन्ग अप्रोच रखना, लॉन्ग व्यू रखना, आपको जरूर बहुत अच्छा पैसा बनते हुए दिख सकता है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे फोर्थ एंड फाइनल स्टॉक पे, जिसका नाम है स्पाइसजेट लिमिटेड, एंड आज की जो क्लोजिंग है ये 77.55 की आ चुकी है। एविएशन सेक्टर में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, और वो ये है कि सेंटर अलाउज डोमेस्टिक एयरलाइंस टू फ्लाई विद 100% कैपेसिटी फ्रॉम अक्टूबर 18th। तो ये न्यूज एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी खासी पॉजिटिव साबित हो सकती है आने वाले टाइम में। आपको फर्स्ट टाइम जब सजेस्ट की थी स्टॉक में,
तभी भी आपको यही बताया था, लॉकडाउन्स ओपन अप हो रहे थे और तभी मैंने आपको इस स्टॉक के ऊपर पहली वीडियो बना के दी थी 20th of November में, और इस स्टॉक का प्राइस था समवेयर अराउंड 75-77 के आसपास था। तो हम लोग चलकर देख लेते हैं 20th of November में एग्जैक्ट प्राइस क्या थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20th of November की क्लोजिंग प्राइस थी 72-74 रुपीज के आसपास थी, और मैंने आपको यहीं पर वीडियो बना के दी थी, क्लियरली बताया था कि इस स्टॉक में आपको 100 से 120 के लेवल्स आते हुए दिखते हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखी है, इस आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, और उसके बाद देखिए स्टॉक ने 108 के आसपास के हाईस बनाए, और मैंने आपको कई बार बताया था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर 90 के लेवल्स पे आपको बुक कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने अगर प्रॉफिट बुकिंग की नहीं है और अभी भी अगर ये स्टॉक आपके पास है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आने वाला टाइम एविएशन सेक्टर के लिए अच्छा खासा पॉजिटिव साबित हो सकता है। ये स्टॉक मैंने आपको हाल ही में सजेस्ट किया था 18th of September के दिन भी। तो यहाँ पे प्राइस आप देख सकते हो समवेयर अराउंड 70-80 थी। तो यहाँ पे देखिए 74 फर्स्ट टाइम पे, 78 अभी भी, और अभी भी ये स्टॉक ने देखिए हमें लोअर लेवल्स पे दिखा के वापस ये स्टॉक अब ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। आने वाले टाइम में हमें 100 से 120 के लेवल्स वापस आते हुए दिख सकते हैं। टाइम जैसे कि हम बोल रहे हैं रिवेंज टूरिज्म का है, तो एविएशन सेक्टर अब पीछे रुक नहीं सकता। आने वाला टाइम एविएशन सेक्टर भी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इस स्टॉक पे आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ ही इंडिगो भी आपकी एक चॉइस होनी चाहिए। आने वाला टाइम इंडिगो एंड स्पाइसजेट आपको रूल करते हुए दिख सकते हैं। तो आने वाले टाइम में राकेश झुंझुनवाला जी भी एविएशन सेक्टर में उतरने वाले हैं, जिसका लॉन्चिंग अगले साल होने वाला है। तो यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस में अभी भी आपको बहुत ही सस्ते भाव में स्पाइसजेट मिल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। आने वाले टाइम में स्टॉक आपको अबाव 100 ट्रेड करते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर पेंडेमिक की स्टॉक 120-140 के लेवल्स भी दिखा रहा था। शॉर्ट टर्म में स्टॉक जो है आपको 100 के टारगेट दे सकता है। अगर 100 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होता है ऑन अ वीकली बेसिस, तो ये स्टॉक जो है आपको ऊपर की तरफ 120 से लेकर 140 के टारगेट दिखा सकता है। तो इन टारगेट्स के लिए आप स्पाइसजेट में बाइंग कर सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखना, स्पाइसजेट में आपको बहुत अच्छा पैसा बनते हुए दिखेगा। यहाँ पे देखिए 77 का प्राइस है, 140 का अगर टारगेट लेके चल रहे हो आप, 1 साल से 2 साल का समय देना, उसके अंदर ही पॉसिबली ये स्टॉक जो है आपको ये टारगेट्स दे देगा। तो ये थी आज की रिव्यू वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आपके डाउट्स जो है वो भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।